नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक टीवी आपके सामने लाया हूँ। ये एलजी का एलईडी टीवी है, 24 इंच का। और इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों कि ये इधर से तो ठीक है, लेकिन ऊपर का लाइन में देखिए डार्क नजर आ रहा है दोस्तों, कि पूरा क्लियर नहीं है पिक्चर, ऊपर से डार्क है दोस्तों और नीचे साइड ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए, ऊपर साइड डार्क है, एक किनारे देखिए, इस किनारे में देखिए डार्क है, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका मॉडल नंबर 24 इंच का है, 24LV458A, ठीक है, आप देख पा रहे हो। और यह है इसका बैक साइड, ठीक है। तो हम लोग ओपन करते हैं, उसके बाद देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ओपन कर लिया हूँ सेट को, आप देख पा रहे हो ये एलजी का मदरबोर्ड है और बैकलाइट ड्राइवर भी बोर्ड के अंदर है, जो कि यहाँ पे कनेक्ट लगा हुआ है दोस्तों। और पहले हम लोग यहाँ पे बैकलाइट कनेक्टर, जो कि पैनल के अंदर बैकलाइट स्ट्रिप लगा हुआ है, उसको ओपन कर लिया हूँ दोस्तों। और इसमें 6 तार वाला बैकलाइट स्ट्रिप लगता है और ये एज एलईडी वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास ओरिजिनल एलजी का बैकलाइट स्ट्रिप है, देख पा रहे हो ये एज एलईडी है एलजी का। देख पा रहे हो इसका खांचा जो सॉकेट है। तो हम लोग पहले इसको जला के देखते हैं, लगा के। ठीक है, ये सॉकेट लगा दिया हूँ, अब पावर कोड लगा के देखता हूँ। पावर ऑन कर दिया हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों स्ट्रिप पूरा जल गया है, ठीक है। तो हमारा ये बैकलाइट स्ट्रिप को हमको डालना पड़ेगा दोस्तों पैनल के अंदर, क्योंकि ये बैकलाइट स्ट्रिप का प्रॉब्लम है। तो चलिए फिर हम लोग ओपन कर लेते हैं पैनल को, उसके बाद दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पैनल को खोल दिए हैं और अभी यहाँ पे देखिए बैकलाइट किनारे लगे रहता है, जो कि एज एलईडी है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। हमको इसको रिमूव करना है और नया वाला डालना है, तो हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी भी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये है पुराना वाला, देख पा रहे हो, इसको हम लोग निकाल दिए हैं और यहाँ पे नया वाला डाल दिए हैं। देख पा रहे हो ये एज एलईडी किनारे किनारे लग गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग पैनल का टोटल फिटिंग करेंगे, उसके बाद चेक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने पूरा फिटिंग कर दिया हूँ बोर्ड को, और यहाँ पे देखिए बैकलाइट जो स्ट्रिप है इसको भी लगा दिया हूँ, और अभी एडाप्टर लगा दिया, चालू कर दिया। अभी देखिए आप लोग कि यहाँ पे तो बैकलाइट जलने का सिंबल आ गया है, और मैं आपको पीछे से सामने से स्क्रीन भी दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, पहले जो कि ऊपर साइड अंधेरा आ रहा था, और अभी देखिए पूरा क्लियर पिक्चर है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो
तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।